जिस रूम में इन्होंने बिठाया उसी रूम में लिख रखा है वहाँ पे, कितनी गलत बात है। जितने भी ट्रिप पे जाते हैं तुम लोगों के लिए कुछ गाड़ी अरेंज करनी पड़ती थी, अब गाड़ी हो गई सबकी अपनी पर्सनल। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि गाड़ी मैं ड्राइव करूंगी यहाँ से। ब्राउनी मम्मा पापा की आपकी न्यू कार। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग्स। आज का व्लॉग दोबारा से सुपर डुपर हमारा अच्छा होने वाला है, जस्ट बिकॉज कि आज मैं अपनी टीम के लिए कुछ करने जा रहा हूँ। एक्चुअली हम लोग कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास ना एक गाड़ी की हमेशा कमी रहती है, कभी पूनम दीदी वाली ले आनी पड़ती है, कभी कीर्ति वाली ले आनी पड़ती है, तो इसीलिए मैं इनके लिए एक गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। मेरा और नीतू का डिसाइड हुआ क्योंकि इनको वहाँ पर जब हम पूना में गए उन्हें रोहित की गाड़ी बहुत पसंद आई, तो हमने आके काफ़ी सारा पता किया कि थार हमें कैसे मिल सकती है। तो फाइनली हमारे हाथ एक बहुत अच्छी डील लगी जिसके लिए मैं भी जा रहा हूँ। मैं और हरिंदर भी आज जाएंगे क्योंकि किसी को भी नहीं पता, नीतू को पता है ऑफ कोर्स और हरिंदर भैया को पता है। सो गाइस एक लाइक टीम के लिए। ओके सो गाइस मैं रेडी हो गया हूँ, पूजा मैंने कर ली है, दीदी भी तैयार हो गई, दीदी हमारे साथ जा रही है, पूनम दीदी हमारे साथ जा रही है, पूरी टीम हमारी जा रही है क्योंकि पूरी टीम के लिए सरप्राइज़ है ना। तो बात ऐसी है कि मैंने इन लोगों को बोला है कि हम लोगों को महिंद्रा के शोरूम में एक गाड़ी की डिलीवरी वाला वीडियो बनाने का मौका मिल गया। मैंने इनको ये नहीं बताया हम डिलीवरी सच में ले रहे हैं, मैंने बताया कि हम डिलीवरी लेने का मौका मिल गया, कुछ पैसे दे रहे हैं हम उनको और गाड़ी की डिलीवरी नहीं लेंगे सिर्फ वीडियो बना देंगे। तो मैंने बोला कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज़ सोच लो कुछ इंस्टा के लिए और उसके लिए अच्छी सी रील बना देंगे नंद भाभी, मतलब उसके लिए कॉन्टेंट के लिए। तो ये लोग आइडिया सोच सोचिए, इनको नहीं पता इन्हीं के लिए गाड़ी आ रही है और सच में डिलीवरी होने वाली है। हाँ लाओ दे दो, अंदर रख दो उसको, मैं अंदर ही खा लूँगा, ठीक है। हाय मित्रों। हाय हाय दूल्हे राजा। Hi. भाई स्क्रिप्ट रेडी है सबकी कुछ अच्छी सी? हाँ मतलब वेस्ट नहीं होना चाहिए अपना टाइम। अच्छा सर नंद भाभी को कुछ सोच ले रोहित, ठीक है। इसको देखो, इसको ऑफिस ना जाने के बहाने चाहिए, हम वहाँ जाना तो हमारे साथ चल दी। अबे तेरा क्या काम है वहाँ? मेरे को ऑफिस ही जाना है, तो मेरे को जबरदस्ती लेकर जा रहे हो, लेकिन मैं फर्स्ट और लास्ट टाइम जा रही हूँ। तो मैं गाड़ी रोज रोज तो मैं खरीदूंगा नहीं। सर मेरा क्यू एन ए कर ले। हाँ तेरा क्यू एन ए व्लॉग भी नहीं आया यार। चल गा रहे अभी तो हम बहन लेट हो रहे हैं। नहीं यार इतना इतना वो नहीं है। बोलो है? दीदी को सॉरी बोलो। क्यों बोलो सॉरी? बोलो सॉरी। क्यों बोलू? बोलो। अच्छा दीदी सुन, इधर आ बहन इधर आ। सॉरी मैं गधों के मुंह नहीं लगता। I'm sorry, मैं गधों के मुंह नहीं लगता। बैगन मैं तो सॉरी बुलवा दिया, अब गधा बताओ ठीक है ना? अपनी तरफ से ऐड हुआ है। कैसे बैठी हूँ? ऐसी बैठी हूँ। ऐसी बैठी है वो, तू बता, तू चिड़ा मत कर उससे, सही समझ। एवोकाडो सैंडविच देख तो ले, इंग्लिश ब्रेकफास्ट हो रही है अभी। तो रात में ये हनुमान जी जो मैं पहनता हूँ इनको उतार के सोता हूँ, सुबह सुबह बहन पहना रही है, मेरे से पहना नहीं जाता क्योंकि तो बहुत बारीक बारीक इसमें वो है जिससे पहनते हैं, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इसलिए मैं वही बोलूँगा कि वो है। अरे पहना दे, हो गए। जय बजरंगबली। तो गाइस मैं अपनी सनस्क्रीन लगा रहा था लेकिन दीदी यहाँ पर अपनी वाली सनस्क्रीन लेकर ला। हाँ ला, क्या कर दिया तूने इससे एकदम? क्या ए सनस्क्रीन है ये? कैसे कलर की है? इधर ऐसे टेडी ने उल्टी कर दी हो। अबे टेडी की उल्टी दिख रही है। गाइस बताना कैसा हो रहा हूं मैं? बकवास कर रहा है, वो नहीं दिख रही है ठीक है। अरे अब सुन। अरे पागल है क्या? लगी हुई है ना, मेरी स्किन ऑयली है, तूने अपनी वाली मेरे पे लगा दी। नहीं ऑयली स्किन के लिए तू जा यहां से यार। नीतू चल ले यार, क्यों डिले कर रही है यार, चल ले। हां कंजिया एक्चुअली गाइस मुहूर्त है 12 बजे तक का, अब इन लोगों को बता नहीं सकते गाड़ी की डिलीवरी सच में है, मतलब मैं इनको जल्दी जल्दी करके ले जा रहा हूँ, इनको लग रहा है मैं शूट पे जा रहा हूँ, मजे से कोई इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है। अरे कंजी चल ले यार, चल ले भाई, तेरी क्या दिक्कत है? मैं ये नहीं रहा, तुझे सुनेगा दुनिया भर के सनस्क्रीन लगा के घूम रही है सबके, क्या मुझे सुने कौन, मतलब तुझे कौन सुनेगा रास्ते पर। अरे चल लो भाई, यो चल लो तू, शायद तू का रहता भाई, तू कैसे लेट हो गया आज? मुझे बता ही नहीं ना। अरे भाई उधर जाना, अरे सब बैठेंगे नीचे, बैठेगी पूनम दीदी। हाँ कितना बुरा हुआ, क्या हुआ यार ये, जब लेट आई ऐसी होगा। कोई बात नहीं, हम चले, बहुत स्पेशल काम है। आगे अपना कैमरा रखा, मैं दो मिनट में बात करने के, तू आगे बैठ गई यार, मुझे आगे कंफर्टेबल कंफर्ट लगता है। ये पराठे कौन लाया भाई, मुझे पहले तो बताओ। पहले बैठ हट यार, पहले तो बात बता दूँ। आधे घंटे दूर पर हम जा रहे हैं, उसमें बर्गर ले लेके क्या क्या ले लिया तुम, दवाई गोली भी लेके चलो। अरे भाई ये किसका इंतजार कर रहे हैं, कुछ और भी कोई इस गाड़ी में जगह तो है नहीं, हम चल फिर नहीं, लेट हो रहे हैं भाई। भाई देखो आज जाम कितना ज्यादा मिल गया अपने को, वैसे यहाँ पे जाम नहीं मिलता। ओ शिट मुझे याद आ गया क्योंकि बॉर्डर क्लोज है और ये हम इस टाइम DND पर हैं, दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर, और शायद वो किसान आंदोलन जो रहा है उसकी वजह से बॉर्डर क्लोज है। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए महिंद्रा के स्टोर पे और आते मेरी नज़र तो पड़ी है थार पर, रेड कलर, काश बट इस पर 6-6 महीने की बुकिंग है। भाई भाई जल्दी आ जाओ, सुनो अपने पास आधा घंटा है, कहाँ है सब लोग, आधा घंटा अपनी वीडियो निपटा लो ठीक है। आओ ठीक है चलो चलो। और जो कंजी है वो बोनी है यार, नहीं मारो ना बोन लोगों को, वो है तुम बिगाड़ो बाहर से देख यार, मैं क्लीन कर दूंगी। और ये जो है ये पूनम, ये बहुत ये डबल लेजी है, DL इसका जो भाई है वो कम लेजी।
मोटा भाई और जो लखन है वो क्यूट है, ये तो है। और जो मैं हूँ मैं ब्यूटीफुल हूँ, ये गलत है। एग्री नहीं करते। चलो यहाँ पर कि हम बन ठन के आए हैं, कौन सी गाड़ी है वो हमारी? नहीं, स्कॉर्पियो लेने। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तहे दिल से बोल रही हूँ कि ये दीनार भैया बैठे नहीं चले जाओ पास। और जो तुषार है मुझे क्या देख रही तू सार हुआ है? अबे स्पॉइलर हो यार, यहाँ पे सब लिखा हुआ है नीतू था। गाइस 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 रियाज करना कि तुम्हें पता नहीं तो मैं था। अरे यार हाँ हाँ भाई इतना बड़ा प्लान बनाया था, इन लोगों को बेवकूफ बना बना के यहाँ तक लाया था। जिस रूम में इन्होंने बिठाया उसी रूम में लिख रखा है, वहाँ पे कितनी गलत बात है। देख देखो अपना फोन अपना बैग कहाँ छोड़ के गई है। गाइस इसका ब्लॉग तुम लोगों को नहीं बनाना, आओ इधर आओ, इधर आओ सब, इधर आओ, चलो सब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इसका कोई बात नहीं, ब्लॉग मैं और नीतू बना देंगे, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये हमारी टीम लखनीत की गाड़ी है। रोहित, ये हमारी गाड़ी है। रोहित रोहित जब से शादी हुई जब से खोया खोया सा है कुछ। भाई मैं कह रहा हूँ मैं और नीतू ब्लॉग बनाएंगे, तुम लोग खुद ही लो, ये हमारी टीम के लिए गाड़ी है, ठीक है, हमारी तरफ से। ओके जितने भी ट्रिप पे जाते हैं तुम लोगों के लिए कुछ गाड़ी अरेंज करनी पड़ती थी, अब गाड़ी होगी सबकी अपनी पर्सनल। ओके अबे तुम ही तो लोगे इसकी डिलीवरी सबके साथ? नहीं तुम्हारे लिए है, दो मिनट रुको, दो चाबी मिलेगी, एक तुम्हें, एक तुम्हें रख के ले जानी है, हम लेकर आएंगे। चलो चलो आओ सब, नहीं तो आ जाओ उधर से अपनी समझो गाइस हम लोग चाहते हैं सबसे पहले गाड़ी में हमारी टीम बैठे, तो गाइस हम बहुत ज्यादा खुश, क्या बोलेंगे, बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। नहीं मैंने उनको पूछा था रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या कह रहा हूँ ना, थोड़ा मैं पेट्रोल डलवा के आ रहा हूँ, पेट्रोल डलाने के लिए बोला है, चुप बैठो ना। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे ना व्हाइट कलर से टीम लखनीत लिखवाएंगे, हैशटैग या फिर खाली टीम लखनीत, हैशटैग टीम लखनीत। लेट्स, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैं भी कुछ और भी बताऊंगी, तो मैं घर जाती हूँ। आ जाओ भाई, अरे पकड़ो यार, मुझे क्या दे रहे हो आप, बोले संजी आ जाओ भाई, रोहित मैं हूँ यार, रोहित भाई यार एक मिनट अभी तो आओ यार, फिर जाओ भाई, अरे यार वो सबसे छोटी है उसके पीछे मत, रोहित कुछ कर रहा है, रोहित क्या कर रहे हो, अरे देना जा उधर, वन अरे कौन रह गया, आ जाओ दीदी जल्दी आओ, वन टू थ्री ये हैप्पी बर्थडे था, मेरे से अरे फोन दिलवा रहा है।
ये था हमारा केक का सेरेमनी है, केक का सेरेमनी सॉरी, ये है हमारी गार्ड की गाड़ी की बोला तो था। हेलो बोलो व्लॉग में। हेलो, क्या नाम है आपका? अश्विना। हाय अश्विना, सब अश्विना को हेलो बोलो। ओके, एग्जाम चल रहे हैं आपके, कैसे जा रहे हैं? अभी तो नहीं है, फर्स्ट तारीख से स्टार्ट है। पढ़ाई हो रही है? अच्छे से करना। ओके चलो बाय बाय। देख लिया आपको, कहती है व्लॉग कर रहे हैं, मैं तो पहचानती हूं। अच्छा ओके बाय बाय। तो गाइस एक स्पेशल थैंक्स हरिंदर भाई, आओ जरा, हमारे हरिंदर भैया जिन्होंने सब अरेंज कराया। और हरिंदर भैया को मैंने बोला था कि मेरे तीन दिन में, हाँ मैंने बोला मुझे टीम के लिए थार चाहिए भाई, इन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ फोन मिला है पूरे हिंदुस्तान में कि किस शोरूम में मिल सकती है, और हमें विद इन थ्री डेज गाड़ी मिल गई। मतलब परसों से, एक दिन पहले मैंने आया, मन बना, बुक हो गया और आज मिल भी गई डिलीवरी। वही हमारा कलर जो हमें चाहिए था सेम है। थैंक यू। लेकिन भाई अपने लिए तो करा, इन्हीं टीम के लिए, सबके लिए। गार्ड भैया को बुलाओ भाई, गार्ड भैया को बुलाओ। तो आप गार्ड भैया को दे दोगे? मोहित भैया कहाँ हैं? आप तो लो भैया, एक गार्ड भैया को। हमने कार ले ली, अब हम खा रहे हैं घर के बर्गर्स जो पूनम दीदी बनवा के लाई। थैंक यू पूनम दीदी। तो सब सबके लिए बनवा के लाई थी, कितने 10 है ना? 10-15 है। और सच बता रही, बहुत भूख लग रही है, इतनी गर्मी, स्वेटर पहन के आई हूँ, मुझे लगा बहुत ठंड होगी, हवाएं चल रही होंगी ठंडी ठंडी, और मेरा फोन आज खो जाता। तो गाइज हम लोग अभी वेट कर रहे हैं अपनी नई गाड़ी का, पुनीत सैंडी भाई और हमारी टीम के बाकी लोग उसको लेकर गए पेट्रोल डलवाने। सबसे पहले उन्हीं लोगों ने चलाई है, लेकिन अब हमारी जिद है, हमने गाड़ियाँ साइड में रुकवा दी अपनी कि गाड़ी लेकर आओ, और अब मैं और नीतू भी चलाएंगे उसको। भाई टीम की थी सबसे पहले, नहीं नीतू नहीं, वहाँ तक ले जाने दे मेरे को, तो साइड में बैठना, एक रोमांटिक डेट टाइप की हो जाएगी हमारी। क्यों बहन, मुझे चलानी चाहिए, इसको चलानी चाहिए? नीतू यार चल, तू भी, तू इसी में जा, आ जा, गाड़ी दिख रही वाली मेरे को, आ जा दीदी। पूनम बहन चलो, हम भी बैठे उस गाड़ी में यार। पुनीत आ गया, आधे रास्ते उसने चला लिया, आधे रास्ते हम चलाएंगे अब। वेलकम वेलकम, बच्चा पार्टी पीछे चलो, ये आ गए हमारे किड, आ जाओ, अरे करा दो भाई इसको। सो गाइस गाड़ी हमारे हाथ में आ गई, सबसे पहले हमने इसमें चलाई हनुमान चालीसा, क्योंकि बाबा का पूरा हाथ है यार हर चीज में, तो उनके लिए सबसे पहले, हमारे लिए हर काम शुरू करने से पहले चीज होती है। अब हम लोग जा रहे हैं, सोच रहे हैं पूरी टीम को लेकर चलते हैं कहीं अच्छी जगह लंच करने। हाँ। दीदी ने बताई जो जगह वहाँ लेकर जा रहे हैं, कीर्ति's फेवरेट जगह नोएडा में। नोएडा में दीदी को डाउट हो रहा है कि अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर तो सुनेगी। तुम लोग जैसा खाना खाते हो, पता नहीं वो मिले या नहीं मिले। अच्छा गाइस, हम लोग आ गए कुछ खाने के लिए, और यहाँ पर शेफ कुणाल का रेस्टोरेंट है जो कि हम पहली बार ट्राई करेंगे आज। दीदी कहीं और लेके जा रही थी, लेकिन हम लोग कहीं और जाने, क्योंकि मुझे इंडियन खाने का मन है, भूख ज्यादा तेज लगी हुई है मुझे। रेडी? किस चीज के लिए तुमने ऑर्डर कर दिया? क्या हुआ? ये नीतू के जोक होते हैं जिन पर हंसना होता
आस्था सिर्फ नीतू ही है, सिर्फ हस्ती। मुझे मेरे जोक्स अच्छे लगते हैं। सो गाइस यहाँ पर खाना आ गया हमारा, पूरी टीम, टीम लखनी से हाय। ये देखो सुस्ती, ए हाय कर, हाय 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 हाय। हमारा लंच हो गया है ख़त्म, अब हम चले घर वापस क्योंकि आज शाम को पूजा भी है। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि गाड़ी मैं ड्राइव करूँगी, यहाँ से 15 या 20 मिनट की डिस्टेंस पर हमारा घर है। ठीक है दीदी, कौन बैठेगा मेरे साथ? पूनी, लक्सु को हमने बिठा रहे। लक्सु तुम अपनी मर्सिडीज में जाओ। भाई नीतू चला रही है उस गाड़ी को, इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। इसलिए नहीं कि नीतू की ड्राइविंग में भरोसा नहीं, बट उसमें पीछे जाने के लिए सीट फोल्ड करनी पड़ती, फिर आगे करनी पड़ती, इसलिए हम इस वाली गाड़ी में आ गए। इंस्टाग्राम में कितने टाइम के बाद कार ड्राइव कर रही हूँ, सालों हो गए, क्योंकि रोहित की गाड़ी भी ड्राइव करी थी मैंने। किधर जाना भाई? सीधे सीधे चलते रहो, सीधे एडवांट आगे। हाँ एडवांट आगे जी। हम लोग घर, अब घर पे बस थोड़ा बहुत काम निपटाएंगे, फिर शाम में, अभी मंदिर वैसे ही बंद होगा, शाम में मंदिर खुलेगा। क्या तो पिछले देखते हो? बहुत ही अच्छी, ऐसे ऐसे कट मर रही थी, सांप की तरह चला रही गाड़ी। नहीं, दो तीन बार नहीं मारे बीच में तूने? कैसे ड्राइव करी इसे? तो ये तो चमचा है तेरा, एक टैडी और ये महा टैडी। मेरे को ब्राउनी से। तो गाइस हम लोग आ गए अब मंदिर की पूजा करने के लिए। पूनम दीदी, सोनी दीदी, पुनीत और सैंडी इस गाड़ी में आए थे। तो गाइस अब हम मंदिर में आ चुके हैं पूजा के लिए। नमस्ते नमस्ते भाई, नमस्ते। कैसी हो? खांसी। कैसी हो मतलब खांसी क्या होता है? खांसी इतनी हो रही है, अच्छा पड़ जाओ एकदम मस्त। आ जाओ। नमस्ते भाई। मैंने इसको लखन को नीत नहीं यार, नीत तो वजन घटा दिया मैंने, थोड़ा ज्यादा। अच्छा कितना वेट कम कर लिया? मैंने 7 kg। एज के साथ जब हमारा घर का पूजा हुआ था तो भैया लेकर आए थे, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी उस चीज की। थैंक यू भैया। आप कब लेकर आ रहे हो? जब वो घर रेनोवेट हो जाएगा तब। गाइस हम लोग ये जो पूजा कराने आए, हम लोग दिल से चाहते हैं कि पूजा हमारे घर की दो बड़ी लेडीज करें, सोनी दीदी और पूनम दीदी। बड़ी हम दोनों, बड़ी क्या मतलब, हमारी टीम में, हमारे काम में दोनों बहुत बड़ी है। घर की अहम भूमिका है इनकी। अहम भूमिका है दोनों की अलग अलग चीजों पर। तो हम लोग चाहते हैं यार इन दोनों के हाथ से पूजा हो। और आपने हमारी वैष्णवी को देखा बेचारी, ये भी थकी हारी है। खुला नहीं है शायद। स्वस्ति नो बृहस्पतिभयृतभ्यायोदेवेक्षेपयोदस्वती प्रदेश सन्तुमयम भद्रम कर्णे शृणयाम देवा भद्रम पशे मार्षदत्तारंगे सौमनपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लवे ज्ञान भैरा सिद्ध्यर्थम भिक्षा देहि च पार्वते अन्नपूर्णे नमो नमः शन्नो देवी रविष्टि आपो भवंत पीति संयो रवि सर्वन्तु नहवो शनिश्चराय नमो नमः। हरे ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हरे ओम भावयामि पूजयामि च वरदोपवः। पाई को तो पाई को मेरे उंगली ना, मैं तो रिकी 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 तेरा काम।
तोड़ते पर मुझे दे देना। अरे सब लोग, अरे भाई एक बार भाई जिनको तो आने शिवम तो भाई अब हमारी गुची और ब्राउनी की बारी है, वो भी गाड़ी देखे, लेकिन हमारा गुची वॉक करने गया है और ब्राउनी ये है। ब्राउनी मम्मा पापा की नहीं, आपकी न्यू कार। ब्राउनी चाचा मामा की नहीं, चाचा मामा की नई कार। ओए ओए तैदू कितना खुश है भाई, तैदू इस टीम का हिस्सा है ना। हाँ, मेरा ये ले ले ले। ओ तैदू कितना खुश है यार, नहीं तो बंद कर दे, वो निकल जाएगा ऐसे यार। दे दे देखना, नहीं तो अरे मेरी वॉच खुली है जो। हाँ, कैसी लगी मम्मा की गाड़ी, कैसी लगी आपकी गाड़ी? नहीं तो कोई बैठेगी तभी आएगा ये। राजू भैया तो आज का व्लॉग आपको कैसे लगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।